बिरला के दोबारा स्पीकर बनने पर वही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, सुनिए। लोकसभा के नव निर्वाचित अध्यक्ष जी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जहां प्रधानमंत्री जी और हमारे साथी लीड ऑपोजिशन ने आपको बधाई दी है, वहीं मैं भी उनसे जुड़ कर के आपको बधाई देना चाहता हूं। आप इस सदन के स्पीकर दोबारा चुने गए हैं। आपके पास 5 साल का जहां अनुभव रहा है, वहीं आपके पुराने और नए सदन का भी आपको अनुभव रहा है। मैं अपनी तरफ से, अपने साथ के सभी सदस्यों की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जिस पद पर आप बैठे हैं, इससे बहुत गौरवशाली परंपराएं जुड़ी हुई हैं और हम सब यही मानते हैं कि बिना भेदभाव के आगे बढ़ेगा और लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में आप हर सांसद और हर दल को बराबरी का मौका और सम्मान देंगे। मैं सदन में पहली बार आया हूं, ये नए सदन में। मुझे लगा कि हमारे स्पीकर की कुर्सी बहुत ऊंची होगी, क्योंकि मैं जिस सदन को छोड़ के आया हूं, अध्यक्ष जी उसकी कुर्सी बहुत ऊंची है। उस समय भी मैं अध्यक्ष जी किसको कहूं कि ये कुर्सी और ऊंची हो जाए। जहां ये नया सदन है, वही मैं आपकी पीठ के पीछे देख रहा हूं। पत्थर तो सही लगे हैं, सब कुछ अच्छा लगा है, लेकिन कुछ दरार में मुझे कुछ सीमेंट अभी भी लगा दिखाई दे रहा है। अध्यक्ष महोदय, मुझे उम्मीद है कि आप जितना सत्ता पक्ष का सम्मान करेंगे, उतना ही विपक्ष का सम्मान कर करके हमें भी अपनी बात रखने का मौका देंगे। मैं आपको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, हर तरीके साथ आपके साथ हैं। बहुत धन्यवाद।